Okay, good morning class 10th. In the last video, we have discussed some basics of the factorization. Now let's see question number 2. अच्छा वन क्वेश्चन नंबर वन में क्या दिया हुआ है, प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन में आपको क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो वो तो आप डायरेक्टली कर दे सकते हो. ठीक है, तो प्राइम फैक्टर आपको फाइंड करने में वो करना है. चलो मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कौन सा वाला बताएं, फोर्थ वाला बता देता हूँ या फर्स्ट वाला देख लो. फर्स्ट वाला देख लो आप. फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है आपको, 140 दिया हुआ है. ठीक है, तो 140 है, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 140 2 से डिवाइड करोगे 70, 2 से डिवाइड करोगे 35, 5 से डिवाइड करोगे 7, 7 से डिवाइड करोगे 1. यही चीज़ हम ट्री में शो करते हैं, जो हम ट्री बनाते हैं या ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर 140 आएगा, 140 इज डिवाइडेड इनटू टू टर्म बाय द 2 एंड 70. इट इज 70 इज डिवाइडेड इनटू द टू टर्म्स 2 एंड 35. 35 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टर्म्स 5 एंड 7. इट्स लास्ट स्टेप वेयर वी विल गेट ऑल फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स. सो आंसर विल बी ऑफ दिस 2, 2, 5, 7. ओके, फैक्टर्स हो गए, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस. दिस इज द ट्री मेथड, दिस इज योर बेसिक डिवीजन प्रोसेस मेथड. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन है. अगर 1 मार्क्स का या नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो फिर ये या ये प्रोसेस यूज कर सकते हो. देखो, अगर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन आया, ऑप्शन वाला क्वेश्चन आया, तो आप ये यूज कर लो. लेकिन अगर 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आता है तो आप ये वाला यूज करो. ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में जो मेंशन है वो ये वाला प्रोसेस मेंशन है. उसे प्राइम फैक्टर्स चाहिए कैसे भी दे दो. ठीक है, दोनों में से. सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूँ मैं आपको डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज एलसीएम एंड एससीएफ फाइंड करने हैं आपको, एंड आपको रिप्रेजेंट करना है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एससीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 26 एंड 91. दिस इज गिवन टू यू 26 एंड 91. सो फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ 26 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 into 13, और 91 के क्या हो जाएंगे, 13 into 7, यही तो होंगे, या 7 into 13 कह दूँ. ठीक है, ये ज़्यादा ही सही. अब यहां से कॉमन फैक्टर एस सी एफ क्या हो जाएगा इसका, एच सी एफ कॉमन क्या है यहां पर, 13, तो क्या आ जाएगा 13. एल सी एम क्या हो जाएगा, देखो एल सी एम में कॉमन वाले को कंसीडर कर लो और जो विदाउट कॉमन रह गए उनका मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर नंबर क्या रह गया 2 और यहां पर नंबर क्या रह गया 7. ओके, तो इसका कितना हो जाएगा 14 एंड 13, 13, 169 एंड 13, 182. ओके, सो दिस इज योर एलसीएम, दिस इज एलसीएम, दिस इज एससीएफ. गिवन टू यू दैट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एससीएफ क्या हो जाएगा, यहां से देखो 182 इंटू में 13, आंसर क्या आएगा, ओके 2366. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 26 इंटू में 91. ओके,
सो देखो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम है सी एफ एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल, ओके, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, हमें यही प्रूव करना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेंस डन इट, नो प्रॉब्लम, ओके। देखो फैक्टर्स ऑफ दिस एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ इज द कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम इज द मल्टीपल, कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई करना और रिमेनिंग जो रह गए उनका मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके देखोगे आंसर सेम आना चाहिए, यही हमें प्रूव करना है। तो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर मान लो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अनदर पार्ट्स कह दिए जाएँ सेकंड एंड थर्ड, तो वो वाला आप करोगे। क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड 12, 15 and 21 देखो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, टू टू थ्री, 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 into 5, 51 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 into 17, कुछ कॉमन आ रहा है सब में, यस कॉमन आ रहा है 3, तो यहां से एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम बताओ मुझे एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन आ रहा है वो, अब उसके अलावा देखो क्या यहां से और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 2 into 2 into 5 into 17, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, 3 into 2 into 2 into 5 into 17, तो ये हो गया 20 into 360, और ये ठीक है, सो दिस इज द एचसीएफ एंड दिस इज द एलसीएम। अच्छा किसी को अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो ना कि सर कन्फ्यूजन है, तो फिर वो ऐसे जैसे हम स्मॉलर क्लासेस में करते थे थर्ड फोर्थ क्लास में, उसकी तरह आप कर सकते हो 12, 15, 51, यहाँ से 2, 6, 2, 3, 3, 1, यहाँ से 3, 5, 5, 1, ये 3 और ये 17 और यहाँ से 17, 1, कॉमन क्या आया 3, तो यहाँ से एचसीएफ 3 हो गया और एलसीएम के लिए क्या हो गया, जो कॉमन है वो, अदरवाइज रिमेनिंग अनदर पार्ट्स, तो यहाँ पे अनकॉमन क्या आ गया, 3 into 2 into 2 into 5 into 17, तो ऐसे। लेकिन ये रफ प्रोसेस है, ये क्या है रफ वर्क, ऐसे आप सिर्फ रफ में कर सकते हो, ये ध्यान रखना, नोटबुक में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है नोटबुक के लिए ये, और रफ वर्क कैसे करना है, ऐसे करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 17, 23 and 29, एचसीएफ क्या होगा इसका, फैक्टर्स
23, 29। अच्छा आपको पता है कोई भी प्राइम नंबर जो होता है वो अपने आप से डिविजिबल होता है और वन से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे 17, 23, 29 ये तो क्या है, प्राइम नंबर है। इफ़ दे आर प्राइम नंबर देन इट कैन बी डिविजिबल बाय वन एंड 17, मतलब इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन क्या है यहाँ पर, वन। एलसीएम क्या हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू में 29। ओके क्वेश्चन नंबर 4। फोर इज गिवन टू यू, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 ओके इज इक्वल्स टू 9। मीन्स हमें एस सी एफ दिया है, नंबर दिया है, तो हम जानते हैं रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एस सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ ये डायरेक्ट ले दो एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएफ मीन्स एलसीएम तो हमसे आस्क किया है, उसने पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एचसीएफ 9। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो गया 306 इंटू में 657। ओके सो 9 से डिवाइड करो इसे, अगर 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम, 34 टाइम। तो एलसीएम क्या आ गया 34 इंटू में 657, मल्टीप्लाई कर लेना एलसीएम आ जाएगा। ओके दिस इज योर व्हाट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन टू यू, चेक वेदर 6 टू द पावर एन कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन। ओके हमें बताना है कि आप कि 6 टू द पावर एन वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर कैन गिव इट्स एंड वैल्यू, एंड वैल्यू मीन्स यूनिट डिजिट, इट्स यूनिट डिजिट इज 0। देखो फाइव है ना, ओके 6 टू द पावर एन ये हमें गिवन है, वेयर एन इज नेचुरल नंबर। सिक्स इज मल्टीपल ऑफ टू एंड थ्री,
सो 2 इंटू में 3 टू द पावर n, ओके, दैट मीन्स 2 द पावर n, 3 टू द पावर n, 4 गेटिंग एनी जीरो इन मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ 5. We know that smallest value is 2 and smallest value is 5. So if these two number are any number and then we are multiplying some with number, then we will get 0. मतलब अगर हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तब 0 आता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या है 2 और 3 है, तो क्या यहाँ पर कभी भी 0 बन सकता है? नहीं बन सकता. 4 getting जीरो एट यूनिट प्लेस नंबर शुड मल्टीपल ऑफ शुड मल्टीपल ऑफ 2 and 5, बट इट has not 5, so on its end place zero can't come. टू द पावर n, वेयर n इज द नेचुरल नंबर, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 3, सो 2 and 3 टू द पावर n, 2 द पावर n, 3 टू द पावर n, सो 4 गेटिंग द जीरो. जीरो किसी भी एंड प्लेस पर अगर हमें जीरो चाहिए तो जीरो होने के लिए एट यूनिट प्लेस पर नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 and 5, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, बट इट हैज नॉट 5, यहाँ पर कोई 5 ही नहीं दिया हुआ, सो इट सो ऑन इट्स एंड प्लेस जीरो कांट कम. तो यहाँ पे कहीं जीरो आ सकता है क्या कभी एंड प्लेस पर? नो, नेवर. ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई 7 into 13 into 11 into 13 प्लस 13 एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर द कंपोजिट नंबर. अब एक बात समझो, यहाँ पर इसका कोई मीन्स नहीं है. यहाँ पर एक्चुअली ये क्या कहना चाहता है कि ये कुछ नंबर सेवन मल्टीप्लाई दिए हुए हैं, अब उसने कहा ये कंपोजिट नंबर होने चाहिए. कंपोजिट नंबर मतलब वहाँ पर कोई भी कॉमन नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, मतलब उन दोनों में जो कॉमन होने चाहिए वो कॉमन नहीं होना चाहिए. तो एक बात बताओ कि जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ नंबर को ऐड कर रहे हैं, और ऐड क्या कर रहे हैं, एक में 13 ऐड कर रहे हैं, एक में 5 ऐड कर रहे हैं, तो ये नंबर डिफरेंट हो जाएंगे, और वहाँ से जब इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो इनके फैक्टर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, ठीक है, अलग अलग आएंगे, तो वहाँ पर फैक्टर्स इसके सेट नहीं होंगे. तो देखो कंपोजिट नंबर देख लें, यहाँ पर 6 में देखो 7 into 11 into 13 प्लस 13 ये दिया हुआ है. तो मैंने आपको बताया था कि 7 into 11 into 13 ये कितना होता है, 1001 होता है. क्या होता है? 1001 प्लस ये 13 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 इसमें ऐड 1001, अच्छा 1001 ये हो जाएगा. ओके, उसके बाद देखो यहां पर सेकंड दिया हुआ था आपको 2 5, क्या दिया था, 7 6 5 4 3 2 1, अच्छा 7 6 5 4 3 2 1. तो यहां से देखो यहां तक करते हैं ना, तो ये होता है 24, ये 120 से ये 6 करोगे 720 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 से हो जाएगा,
फिफ्टी फोर्टी हो जाएगा, और प्लस दिया हुआ है आपको 5 50 40 और प्लस में 5, तो यहाँ पर ये ऐड करने पर कितना हो जाएगा 50 40 45। अब आप इसके फैक्टर फाइंड करो और इसके फैक्टर फाइंड करो, ठीक है, दोनों के, और उन दोनों में देखो क्या कोई कॉमन फैक्टर है। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है, अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये कंपोजिट फैक्टर्स और कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ से फैक्टर्स ऑफ 1014 क्या होंगे, साइड में कर लेते हैं, रब वर्क 1014, तो 2 से डिवाइड किया तो ये 5 टाइम 07 टाइम, 2 से डिवाइड होगा नहीं 73 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 16 टाइम 9 टाइम, 3 से डिवाइड होगा नहीं ये 13 से डिवाइड होगा 13 13, तो इसके तो हो गए क्या 2 3 13 और 13। अब यहाँ पर दूसरे वाले के देखो 5 0 4 5, यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे 5 0 4 5 के 5 से डिवाइड कर देते हैं थोड़ा इजी हो जाएगा तो ये 10 09 1 09 009। ओके, अब क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, नहीं हो रहा, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 7 से देखते हैं, तो 7 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 218, तो यहाँ पर क्या आएगा 82, ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 11 से अगर इसे करते हैं तो ये 99, 11 से नहीं हो रहा, 13 से इसे करेंगे तो 13 से भी नहीं हो रहा, 15 16 17 17 से इसे करेंगे तो ये 17 से नहीं हो रहा, 18 19 19 से इसे करेंगे तो 95 और 95 5 59 नहीं हो रहा, 19 20 21 21 21 से इसमें देखते हैं तो ये 21 से 3 और 7 का मल्टीपल होना चाहिए ना, तो ये तो 3 का तो है ही नहीं, तो ये 21 से तो होगा ही नहीं, 23 से इसे देखते हैं तो 23 से नहीं होगा, 25 27 26 27 28 29 29 से इसे देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 टाइम 87 और 139 तो ये उससे भी नहीं होगा, 27 से नहीं होगा। थर्टी वन से अगर मैं इसे देखता हूँ तो 31 से ये हो जाएगा 3 टाइम 93, 31 से 93 7 आ रहा है 79 नहीं होगा, 31 से नहीं हो रहा, 33 के बाद में 33 35 36 37 से अगर मैं इसे दिखता हूँ तो 37 से ये हो जाएगा 2 टाइम 3 टाइम 2 टाइम होगा, ये 37 टाइम जा रहा है क्या, ठीक है, 74 से ये बनेगा कितना 16 169 नहीं जा रहा, ठीक है, 37 39 39 से भी नहीं जाएगा बिकॉज इट इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 13 का मल्टीपल तो ये है ही नहीं, तो ये 13 का मल्टीपल नहीं है तो ये 39 का भी नहीं होगा, 39 के बाद में 41 से चेक कर लेते हैं, 41 से 82 आएगा और 82 आएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा 8 और ये हो जाएगा 189 आएगा तो ये 3 टाइम 4 टाइम भी कर सकते हैं, 4 टाइम तो 4 से तो ये नहीं होगा, 43 टाइम देख सकते हैं, 43 से अगर इसे करते हैं तो ये हो जाएगा 86, चेक करना पड़ेगा बहुत लेंथी सा हो रहा है, चेक करोगे यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये 49 43 से भी नहीं हो रहा, 45 47 किससे हो सकता है, ये क्या मल्टीपल होंगे इसके, बाकी इसके कोई मल्टीपल दिख नहीं रहा मुझे, क्या होगा इसका मल्टीपल, बहुत लेंथी हो रहा है ना, देखो कोई 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे ना, 47 से ये 2 टाइम तो ये 94 और 94 से ये क्या हो जाएगा 669,
ये इससे भी नहीं हो रहा 47 से, 47, 48, 49, 49 से चेक कर सकते हैं, 49 से क्या हो जाएगा, टू टाइम हो जाएगा 98 से 2 और 29, ये तो इससे भी नहीं हो रहा, क्या होंगे ही नहीं क्या इसके फैक्टर्स, चेक कर लेना अगर हो तो बता देना, इसके तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो रहा है ना। बाकी इसके फैक्टर्स में मैं अभी इसे इतना ही करके छोड़ रहा हूँ, 1509, ठीक है। देखो मैं जैसे ही हायर नंबर्स की तरफ जा रहा हूँ ना तो ये आ नहीं रहा, अगर मैं मान लो 61 करता हूँ तो 61 करूँगा तो यहाँ पर क्या आएगा 39, और 61 करते हैं तो नहीं आएगा, 71 करते हैं तो नहीं आएगा, 299 है ना, 73 कर लूँ तो 73 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 27 नहीं आएगा, 83 करते हैं तो नहीं आ रहा, 87 करते हैं तो ये ना ये प्रॉब्लम कर रहा है, एक्चुअली चेक कर लेना इसे, बाकी इनसे सेट नहीं हो रहा है ना कोई नंबर तो होगा जो इसे डिवाइड करता ही होगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये अपने आप में प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 51009 आ गया, अब यहाँ पर कोई भी कॉमन नंबर दिख रहा है क्या आपको, देखो भाई यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है ना, देयर इज नो कॉमन फैक्टर, एक्सेप्ट ऑफ वन, सो बोथ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, डन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इन द नेक्स्ट डे, ओके, थैंक यू।